Why even talk about all of this? It's been over a year, I guess. There is a huge reason. वो last में पता चलेगा कि हेलो द वीडियो अबाउट टू वॉच इज पार्ट ऑफ अ चैरिटी स्ट्रीम जहाँ पे चैरिटी मैं खुद हूँ और जितना पैसे तुम दे रहे हो मेरे पॉकेट में जाने वाला है एंड जो लोग डोनेट करना चाहते हैं जाके मेंबरशिप ले लो मेंबरशिप उतना हो चुका है मेंबर ओपी इन द चैट बॉयस लग रहा हूँ ना सस्ता तन्मय बट तन्मय ओपी इन द चैट बॉयस तन्मय ओपी इन द चैट शिट आई डू फॉर एन इंट्रो मैन शिट आई डू फॉर एन इंट्रो तो बेसिकली मैं शूट करने के बदले मैं लाइव स्ट्रीम पे कर रहा हूँ इट्स लाइक मी पुशिंग माई सेल्फ देयर कल है 20 दिसंबर भाइयों अगर तुम लोग को नहीं पता 20 दिसंबर इज द सेम डे व्हेन दानिश जहन पास्ड अवे राइट मैड रिस्पेक्ट टू द गाय मैंने उसको जब जिंदा था तब मैंने कुछ कॉन्टेंट देखा नहीं है बट अगेन आई रिस्पेक्ट अ पर्सन तो रिस्पेक्ट करने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए तुम्हें राइट आई सॉ टिकटॉक यस्टरडे व्हिच इज आई थिंक व्हिच इज 1 ईयर ओल्ड एंड मैं वो टिकटॉक तुम लोग को दिखाना चाहता हूँ भाई क्यों रो रहा है अरे भाई 20 दिसंबर वापिस आ रही है जिस दिन पूरी दुनिया रोएगी दिसंबर के महीने की वो अगर तुम लोग को पता नहीं है टेक्स्ट में डाला हुआ है December 20th दानिश जहन सालों कंटेंट बन गया क्या अभी भैंचो आई मीन मैं भी वही कर रहा हूँ वो अलग बात है ओके आई डोंट केयर एट दिस पॉइंट क्योंकि इतना तो ये कर चुके हैं लोग ने हवा बना दिया ये This is the same man, okay? He is the same guy who made this video. ये देखो, ये बंदा, he actually named himself Little Danish Zehn as Danish Zehn passed away and said कि भाई मैं तो मेरा तो वो भाई ये से है, मैं तो inspiration है, मैं तो नाम भी रखेगा. My man is so smart, legit बंदे ने Little Danish Zehn रखा हुआ, तब गंदा वाला backlash मिला, तब बंदा Zehn हटाया and the explanation he gave, oh my god. और आज बाबा's vlog का message आया था, उन्होंने क्या बोले कि Little Danish को मैंने समझा दिया, वो Zehn हटा देगा. उन्होंने ऐसा बोले क्या वो नाम हटा देगा उन्होंने ये नहीं बोले क्या मुझे मेरे चैनल को ब्लॉक करो गाइस गेट द पॉइंट ये पूरे वीडियो का हाईलाइट पॉइंट क्या है मैं ना जहन हटा रहा हूँ बस जहन हटा रहा हूँ क्योंकि बाबा व्लॉग्स ने बोला है तुम चूतिए हो तब से समझा रहे हो मेरे को द होल फकिंग यूट्यूब कम्युनिटी वाज एक्सप्लेनिंग दिस शिट बट नहीं 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 जो बंदा मेरे से सब्सक्राइबर में ज्यादा है सिर्फ उसी की बात मानेंगे आई मीन दैट इज द केस राइट ऐसे कम सब्सक्राइबर वाला तो सही तो हो ही नहीं सकता आई मीन मोर द क्लाउड द मोर राइट यू आर राइट दूसरा बंदा ऐसा आएगा जो दानिश जहन के नाम लेगा उसका चैनल हम लोग बंद करा देंगे माय मैन जस्ट सेड जो दानिश जहन के नाम लेगा उसका चैनल हम लोग बंद करा देंगे भाई आई डोंट सी ये बंद हुआ है ओके आई थिंक 200K इज नॉट A less amount of support or like, I mean, बंद तो हुआ नहीं है कुछ just saying, but still, See the fucking support he got. I don't get it. Mother has Danish Zehn hashtag there. You don't know the depths of fucking YouTube I went to like find that footage, yaar. The whole fucking reason I'm making this is this guy. He went to Nagpur. Nagpur बोलते मेरे दिमाग में कौन आया था बताए? Nagpur के बोलते हैं बोले तो गरम बेच के खाए पूरी सारा भाई लोग बोले तो यार और प्यार लड़के से ज्यादा खर्रे को प्यार ज्यादा दिखाना नहीं इधर तेवर जलाते उके का नया वाला फ्लेवर भाई निश्चल यार द बेस्ट थिंग यू शोड मी इन फकिंग लाइक इयर्स भाई दिस इज द बेस्ट थिंग ओके दिस गाय ही वेंट टू नागपुर ही हैड अ मीटअप इन बिटवीन द होल फकिंग कोविड सिचुएशन मजाक नहीं इवन ही डिडंट वेयर द मास्क देखो हम यहाँ पे भी रुकेंगे नहीं रुको 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 मैं दिखाता हूँ तुम लोग को लिटिल दानिश बैकेट अगेन विद न्यू विद योर बेबी सो ही वाज सो फार्म ब्रो एक तो मतलब 3 दिन पहले मैं नागपुर गया था वहाँ मैंने एक मीटअप रखा था 9 तारीख का और सामने एक था पुलिस स्टेशन तो वो लोगों ने क्राउड देख लिया वो किसी ने उनको ये बोल दिया कि मुंबई से एक बंदा आया है जिसका यहाँ पर मीटअप है कल के दिन तो जैसे मेरी गाड़ी 9 तारीख को वहां पहुंची है तो वैसे ही लाठीचार्ज चालू हो गया मतलब आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि मैंने बहुत से फॉलोअर्स को लाठीचार्ज हुई बहुत से मेरे फॉलोअर्स पे उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ लोगों पे लाठीचार्ज हुई है मैं माफी चाहता हूँ आई मीन गाइस I'm not even telling shit about you at this point. वो लोग फिर भी नहीं मान रहे थे वो लोग को लाठी चार्ज हो रही थी फिर भी वो लोग मेरे पीछे भाग रहे थे ये बात का मुझे अच्छा लगा क्या I mean I know he doesn't mean कि उसको अच्छा लगा he is like इतना होने के बाद भी सपोर्ट कर रहे हैं अच्छा लगा I understand your point my friend but still that is not something you say in a fucking video where your fucking fans are like getting लाठी charged bro भैंचोद लोग पीट पुलिस वाले पीट रहे हैं दोस्त तुम ये नहीं
भाई इट्स अ फकिंग शिपरेक, यू लाफ एट द शिपरेक, मजाक नहीं। और मैंने ये भी देखा हूँ कि मेरे वजह से बहुत से लोगों की बाइक टकरा गई आपस में, और वो लोग के किसी का फेस पे लग गई, किसी का चश्मा टूट गया। मैं वो लोग को मना कर रहा था कि आप लोग भागो मत, इंशाल्लाह मैं आगे चलकर उससे रिटार्ड पीछे भाग रही थी। लोगों की बाइक टकरा जा रहे थे, मैं लोगों को रोक रहा था। What do you mean लोगों को रोक रहा था? Why did you have a fucking meetup in the first place? अरे अकल नहीं है क्या बहनचोद? Who has a fucking meetup in the fucking COVID situation which is going on? लोग मर रहे हैं, hospitalized हैं, and the state you are in, it's भाई महाराष्ट्र is having the most like most तो नहीं, but at least it is like the top most state जिसके like COVID patients हैं, positive हैं, COVID positive हैं लोग। I'm not saying कुछ गलत है या कुछ, I'm just saying कि भाई it is risky. और नागपुर के न्यूज़पेपर में भी मेरे बारे में कुछ अलग लगाया कि मैं वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। What do you mean आया? दोस्त आपने हगा है जिंदगी में, लोगों की जिंदगी में भी हगा है, अपने भी। खुद मास्क नहीं पहना हुआ था भाई, तू मर जाएगा। मुझे नहीं पता था कि इतने लोग आ जाएंगे, इतनी क्राउड जम जाएगा मेरी वजह से। ये सब तो आपका प्यार है। अरे Guys, this is how you make a fucking apology video. जहाँ पे तुम भाई तुम अपनी audience की चाट legit भैंचोद पूरा sweet निकालो डालो, इतना घी शक्कर भैंचोद नमक भैंचोद क्या बोलते हैं टीका लाल का भैंचोद डाल के पेशान पूरा चाट रहे हो ना, पूरा एकदम next level चाट रहा भाई, मजाक नहीं। दोस्त देख अपने audience को हाँ अच्छा है, like feel कराना गलत नहीं, okay? The whole positivity वाला thing, I get it. But भाई when you're fucking like when you fucked up this level na bhai, you don't do this. Tanne but was one AIB mein usko laga wo jo kar raha wo galat hai, wo khud step down kara. Maybe it's a business decision or something, I don't fucking care. When you fuck up, that is the exact thing you do, you accept your fuck ups. Okay, if you are not agreeing, if you have any proof or justification to it, justify it properly na bhenchod. Kya ye something different happened with the internet scene in India? Arre bhai, it's fucking shit bhencho. The people who are honest, they get fucked up, and the people who manipulate and do shit, they are there still. It's not like a new thing ki manipulate karne wale aage, it's not a problem. Manipulation is neither good nor bad. Exactly, to explain it better, koi film hai, tum us film mein like tum inclusive feel kar rahe ho, tumhe log manipulate kar rahe hain, the background music is actually manipulating you, but still it is not a bad manipulation. It's not making you believe something which is not true at all. That too which is going to harm you in a level afterwards. But of course, dude, मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे सामने आप लोग मुझसे मिलने आए और आप लोग को लाठी चार्ज हो रही है। ये क्यों मिलने आए तो लाठी चार्ज हो रही है? इट्स नॉट बिकॉज कि तुझे मिलने आए इसीलिए लाठी चार्ज हो रही है, इसीलिए लाठी चार्ज हो रही है क्योंकि कोविड का भैंच। हाँ भाई गंवार भैंच, मुझे खराब लगा इसलिए मैंने मेरी गाड़ी को कहीं नहीं रुकाया। मेरी गाड़ी जैसे वहां पहुंची आईटी पार्क पर, तो मुझे वहां से निकलना पड़ा। इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट मीटअप होगा हैदराबाद के अंदर, क्योंकि मैं मंडे या ट्यूसडे को निकल जाऊंगा हैदराबाद के लिए। सो जब तक वीडियो एंजॉय करो। नेक्स्ट मीटअप होगा हैदराबाद में, मंडे या ट्यूसडे निकल रहा है भाई। द वर्स्ट पार्ट इज यू नॉट अंडरस्टैंडिंग द शिट ना, द शिट ही इज डूइंग ना is making me abuse like to a level भैंचोद which I don't want to go. भाई नागपुर में पुलिस वाले पीछे पड़ रहे हैं तेरे followers के और उनको पीट रहे हैं, तुझे बुरा लग रहा है वो चीज, but मैं जाके फिर से वही चीज करूंगा मंडे को हैदराबाद में। अकल गए गधे की गांड में, मैं हैदराबाद में मीटअप करके रहूंगा। यू एडमायर अ पर्सन टू अ लेवल ना, तुम अपनी बाउंड्रीज पुश करके आगे जाते हो, चुतियाप है वो, किसी को भी अपने से ऊपर नहीं रखना चाहिए। हम सब करे वो चीज, एक एज में हम भी कर रहे थे। थिएटर्स क्लोज्ड है, वो लोग एक्चुअल लॉस फेस कर रहे हैं थिएटर वाले। ये पहले से रो रहे हैं कि भाई अमेज़न आने के बाद हम लोग का कुछ चल ही नहीं रहा थिएटर का, एंड वो लोग क्लोज्ड है, वो अपना घर मुझ के अपना काम कर रहे हैं घर पे बैठ के। आर यू फॉर रियल? सब्सक्राइब करके जाओ, मतलब अम्मी को, अपनी खाला को, अपनी नानी को, अपनी मौसी को बोल, मतलब मारो पिटो प्रेस करो कुछ भी। भाई अगर कोविड हो जाएगा ये कोई नहीं बचेगा, टेंशन मत ले। तो अगर मैं तेरे को मीटअप करने आ रहा हूँ, मैं खाला वाला को करा भी लूँ कोई फायदा नहीं, सब डेड सब्सक्राइबर्स होंगे, लिटरली डेड। एक पास से तो when we are talking about songs, let's just go for the song which my man made na. मैं फिर चैनल खोला यूट्यूब पे, व्लॉग्स हर कलर एक्सप्लोर किया मैंने जी जान से, लोग बोले मत कर ये नहीं है अपने ईमान में, लोग बोले नहीं है ईमान में क्योंकि तू दानिश जैन के नाम से ग्रो हो रहा था ब्रो। हाँ कुछ लोग होंगे तुझे पहचान वाले, दैट्स अ होल फकिंग डिफरेंट क्वेश्चन, बट व्यूअर्स में से जितने लोग बोल रहे थे वो इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि यू आर इंपर्सनेटिंग अ पर्सनैलिटी who was already famous for something and you are not half good as the guy.
Even if you are better than the guy, even then you can't use the name. If your name is the same, that's a different thing. But you can't change it for... You not only changed your fucking name, you fucking changed your birth date. Inspired Danish bhai se ho jata hai sab confused. Aaj 2 lakh YouTube pe mashallah mere views. Kya confused hote hain? Tujhe Danish ke sath confused karte hain? Wo karte nahi hai, tune kara hai. Okay, let's just be frank there. And if you are saying ki copy nahi kar raha hu, main inspired hu bolna chahta hai. You are fucking copying. What the fuck are you even saying? Tera naam Danish tha? Nahi. Tera birth date 20 December ko tha? Nahi. बोकेंगे पीठ पीछे किसी से मैं क्यों लड़ूं बहन का प्यार है मैं बंदियों पे बहन का प्यार है मैं बंदियों पे क्यों मरूं लड़कियां पीछे मेरे जब भी लगाता मैं लेंस आई वांट इफ एनी गर्ल इज वाचिंग प्लीज कमेंट बिलो तुम कभी किसी के आंख देख के देखो कि ओ माय गॉड इसका आंख देखे ओ माय गॉड ओ फक इसका तो आंख भाई ओ माँ की आंख हैव यू गॉन लाइक दैट हैज एनीवंस आईज टर्नड यू ऑन दैट टू लेंस नॉट इवन आंख सॉरी लेंस कभी किसी को टर्न ऑन करते हुए देखो द होल थिंग असाइड ओके ही इज क्रिंज एंड ऑल दैट शिट आई एम क्रिंज मेरे पुराने वीडियोस देखता हूँ मैं ओके बट स्टिल ब्रो व्हाट द फक इज दिस इतना वेट वीडियो था ना ये इतना गीला हो रहा था ना कि भाई लोग आ गए गीला होके वीडियो बना रहा था वो कि भाई ऐसे ऐसा नीचे वेट हो रहा है बंदा और यहाँ ऊपर के मुझे ना तब बुरा लग रहा है क्या मुझे बुरा लग रहा है आज का ये वीडियो ये लाइव स्ट्रीम यहीं पे खत्म करते हैं होप तुम लोग को मजा आया होगा आई थिंक आई ट्राइड समथिंग न्यू हियर If this works out, द रिएक्शन वीडियोज आई वॉन्ट टू मेक आई मेक इट ऑन लाइव स्ट्रीम क्योंकि मुझे भी लाइक थोड़ा फीडबैक मिलते रहेगा तुम लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हो इट्स लाइक अ कोलैबोरेटिव थिंग नाउ द कम्युनिज्म इन माई स्पीच इज लाइक सो आई हैड टू यूज फकिंग सैनिटाइजर मैन इफ एल्कोहल कुड रिमूव कम्युनिज्म फ्रॉम द वोदका जोक्स माई मैन वेदांत का कॉन्टेंट खत्म हो गया हमको ऐसा कॉन्टेंट यूज करेगा बट आई वॉन्ट से दैट हाँ तूने बोला ही नेट ये मर फिर कब आएगा लाइव काफी जल्दी लाइक बहुत जल्द इसके साथ आज का ये स्ट्रीम एम करते हो तुम लोग को मजा आएगा एंड यप इसके साथ तो बाय बाय एंड वो दानिश जैन टाइप करने की कोशिश कर रहा था बट ओके